4 वर्सेस 34 यानी 4 बनाम 34। सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे कि 4 बनाम 34 का जिक्र क्यों किया है। 4 साल पहले जिस महामारी ने वैश्विक स्तर पर तबाही मचाने का काम किया था, लोगों को सोचने पर मजबूर किया था, उस बीमारी पर 4 साल में काबू पा लिया गया। भले ही प्रयास देश के थे, भले ही प्रयास भारत के द्वारा किए गए थे, वैक्सीनेशन की चाहे बात करें या फिर दूसरे तमाम उपचारों की बात करें, निदानात्मक प्रबंधों की बात करें, तो उस वक्त उस बीमारी पर काबू पाया गया था। लेकिन 34 साल पहले वजूद में आई एक बीमारी 1989 में एक बीमारी का आगाज हुआ था, एक बीमारी की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जो सिंड्रोम आया था वो आज भी बरकरार है, आज भी मरीज जो है कायम है, उस बीमारी का समूल नाश नहीं हो पाया है। नमस्कार, मैं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज इस मुद्दे पर आखिर चर्चा क्यों हो रही है, सर्वत्र इस बात के चर्चे आखिर क्यों हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आखिर पूरे साल क्यों नहीं याद आता? आज क्योंकि विश्व एड्स दिवस है और इस दिवस के मौके पर इन तमाम चीजों पर मंथन करना बेहद जरूरी है। अगर आंकड़ों की हकीकत पर गौर फरमाया जाए, 3 करोड़ 9 लाख वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में इतने लोग एचआईवी ग्रस्त हैं, एड्स से ग्रस्त हैं। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करने से पहले भारत वर्ष की भी बात करूंगा कि भारत में भी आंकड़ा कम नहीं है, बड़ी तादाद में लोग जो है 39 लाख के करीब लोग हरियाणा में भी कहीं ना कहीं ग्रस्त है इस बीमारी से। तो जिस तरह से अगर बात करें, माफ कीजिएगा, 39,000 जो लोग हैं हरियाणा में ग्रस्त हैं और 23 लाख लोग जो है इस बीमारी से पूरे देश भर में ग्रस्त हैं। अगर अभी तक की ट्रेजडी की बात करें, त्रासदी की बात करें, 41,968 लोगों की मौत इस बीमारी की वजह से रिकॉर्ड की जा चुकी है। भिवानी की बात करेंगे जरूर, क्योंकि छोटी काशी मिनी क्यूबा के नाम से भिवानी को जाना जाता है। अगर जिलावार में बात करूं तो भिवानी जिले में 2,147 मरीज अभी तक दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बात करें, पिछले 5 साल के आंकड़ों की बात करें, 135 लोग वो अकाल मौत के शिकार इस बीमारी की वजह से हो चुके हैं। टीबी का इस बीमारी से भी संबंध है और इस बीमारी का टीबी से संबंध है, क्योंकि इम्यूनिटी जो वीक होती है वो एड्स की वजह से वीक होती है, टीबी भी होती है। टीबी जब जिसको होती है तो उसका एड्स का टेस्ट भी करवाया जाता है, एचआईवी का टेस्ट उसका करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, देश भर में इस तरह से प्रयास किए जाते हैं, तमाम चीजें जो है वो अपनाई जाती हैं, लेकिन जो जागरूकता जिस तरह की आनी चाहिए, क्योंकि जागरूकता इस बीमारी का बचाव है, इसका उपचार है, तो जागरूकता लाई जानी बेहद जरूरी है। जो लोग इस वायरस से ग्रस्त मिलते हैं उन लोगों को एटीआर यानी उनको इस तरह के केंद्रों पर उपचार दिया जाना बेहद जरूरी है। उपचार अगर वो नियमित तौर पर लेते हैं तो समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ जाते हैं, उनका सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ भी जाता है। लेकिन जो हाई रिस्क फैक्टर से जो ग्रस्त होते हैं, ऐसे लोग जो कि ना तो जांच करवाते हैं, जांच करवाते भी हैं तो उसको छुपाते हैं, और आइडेंटिटी हालांकि विभाग भी छुपाता है किसी के बारे में, इस तरह के मरीज के बारे में एक एक्ट भी 2017 में बनाया गया था। उस एक्ट के मुताबिक अगर कोई स्टिग्मा अगर करता है, कोई किसी को पॉइंट आउट करता है इस बीमारी को लेकर, तो निश्चित तौर पर उसकी सजा भी तय है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।